नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। इंग्लैंड के सबसे सफल कप्तान इयान मॉर्गन पिछले महीने ही अपने खराब फॉर्म से आजीज हो आकर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से ही अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे। उन्होंने अपनी कप्तानी में इंग्लैंड को 2019 का वर्ल्ड कप भी दिलाया था। हालांकि अब खबर आ रही है कि इयान मॉर्गन एक बार फिर से मैदान पर लौटने वाले हैं। उन्होंने LLB यानी कि लीजेंड क्रिकेट लीग में भाग लेने का फैसला लिया है। लीजेंड लीग में वो खिलाड़ी खेलते हैं जो अपने देश की तरफ से खेलकर संन्यास ले चुके होते हैं। मॉर्गन लीजेंड लीग क्रिकेट के दूसरे सीजन से इस टूर्नामेंट के हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी खेलते हैं, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तूफानी गेंदबाज ब्रेटली, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधर। यह टूर्नामेंट इसी साल के सितंबर में खेला जाएगा, जिसमें लगभग 110 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। मॉर्गन इस टूर्नामेंट में खेलने के बारे में कहा कि वो काफ़ी खुश हैं कि उन्हें लीजेंड खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल जब लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट को पहली बार खेला गया था, तब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी को इसमें शामिल किया गया था और 3 टीमों में विभाजित कर दिया गया था। पहला इंडिया, दूसरा एशिया और तीसरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्रिकेट की ऐसे ही और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।